हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यामाहा MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में, कि आप डाउन पेमेंट देकर कैसे बाइक को फाइनेंस करा सकते हो और कैसे आप इस बाइक को इजीली अपने घर लेकर जा सकते हो। देखिए, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इंडियन मार्केट में अभी बाइक्स का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि भैया उस बाइक को कैश में ख़रीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। आप जानते हैं इतना प्राइस बढ़ता जा रहा है, और हमारे पास एक फाइनेंस वाला ऑप्शन है। उस फाइनेंस से हम इजीली उस बाइक को खरीद सकते हैं और उस बाइक को अपना बना सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा यामाहा MT-15 के डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं MT-15 के डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, बाइक फाइनेंस करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बाद में आप फिर कमेंट करके पूछते हैं, ठीक है। फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद अगर आपका खुद का घर है तो आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी। खुद का घर नहीं है तो फिर आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको 2-3 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, 2-3 चेक की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रखिए, 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी सैलरी आती है। मान लीजिए आप जॉब नहीं करते हो और अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है सैलरी वाला, तो फिर आप ITR फाइल कर दोगे, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो फिर आप वो दे सकते हो और अपने नाम से जो है गाड़ी फाइनेंस करा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में, फाइनेंस के बारे में। दोस्तों MT-15 एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,65,900 रुपीज़ के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है। MT-15 हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,97,000 रुपीज़, 1,97,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आज की इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट जो अमाउंट लिया हुआ है वो लिया हुआ है 47,000 रुपये। जी हाँ, 47,000 रुपीज़ हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है, ठीक है। अब हमारा जो बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,50,000 रुपये। जी हाँ, 1,50,000 रुपये जो है हमारा बचा हुआ अमाउंट है। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हो, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ, चाहे आप किसी गवर्नमेंट कंपनी से कराओ, हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। और प्रोसेसिंग फीस डिपेंड करता है कि भाई आप कितना फाइनेंस करा रहे हो। जनरली 1,50,000 में 10,000 रुपये के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लगता है। अब आपका जो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,60,000 रुपये। अब हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी कंपनी आपको बाइक फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियसली बात है भाई, उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। बिना अपने फायदे के वो काम तो नहीं करेंगे, और उस प्रॉफिट का नाम है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। दोस्तों यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पे, आपकी सैलरी स्लिप पे, आपके ITR अमाउंट पे। जनरली मैंने भाई 7% के आसपास देखा है, सॉरी जनरली मैंने 6% से 14% के आसपास का देखा, तो आज काफी कम लिया है मैंने, 7% लिया है। 1,60,000 का जब आप 7% निकालोगे तो आपके एक साल का जो इंटरेस्ट आएगा, ध्यान रखिए, वो आएगा 11,200 रुपये। ये एक साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, एक साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको एक साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, वो मैंने निकाल दिया 11,200। 1,60,000 रुपये में 11,200 प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,71,200 रुपीज़। अब आप इसे 12 यानी कि 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 14,266 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक, 12 महीनों तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, अब 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एक साल का इंटरेस्ट कितना आपका 11,200, तो 1,60,000 में 11,000, सॉरी यार पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 11,200 2 कर दो तो 22,400 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल का। अब 1,60,000 रुपये में 22,400 को प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट आएगा 1,82,400, 1,82,400 रुपीज़। अब आप इसे 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 7,600 रुपये के आसपास की।
मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 11,200 कर दो तो 33,600 रुपीज़, जी हाँ 33,600, और आपके 3 साल का इंटरेस्ट है 1,60,000 रुपये में इसे प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,93,600। 1,93,600 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 5,361 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी है कब तक, 3 सालों तक। सो ये था दोस्तों यामाहा MT-15 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।